हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं सुवो टीवी। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, हमें जो भी ड्रॉप करना फिर नोटिफिकेशन पर चला जाएगा। फीचर तो शुरू करते हैं। बताऊंगा अगर हार्ट लाइन का उद्गम दोस्तों आपके निम्न मंगल से हो रहा है तो इसका फल क्या होगा। देखिए, ये हार्ड लाइन में मेरा छठा वीडियो है। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लीजिए। दोस्तों आप अगर पहली बार आए थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो हमारे आपके लाइफ लाइन होते हैं वो लाइफ लाइन में लाइफ के मेजर इवेंट को बताते हैं, अपने शरीर में जो एनर्जी वो दिखाता है। इसके साथ साथ जो मस्तिष्क रेखा है दोस्तों, हमारे बौद्धिक क्षमता को दिखाता है। आप कितने जल्दी बात को समझते हैं दोस्तों, आप कितने धन अर्जित करने की क्षमता है दोस्तों बात को समझ के। और हार्ट लाइन दोस्तों तीन चीज़ों को दिखाता है। पहला, आपका जो हार्ट है दोस्तों उस हार्ट का हालत कैसा, अच्छा है बुरा है, उससे कोई बीमारी हो सकता है कि नहीं। आप कितने लोगों से अच्छे दिल से मिलते हैं, आपके अंदर कितने इंसानियत है, कितने लोगों की मदद करने के भाव रखते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ कितने दोस्तों आपके धर्म की तरफ रुझाव है, धर्म की तरफ रुझाव के साथ धर्म की चीज़ें आपको पसंद है, ये सब कुछ दोस्तों आपके हार्ट लाइन बताते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों अगर हार्ट लाइन सही जगह से उद्गम हो तो। दोस्तों आज बताऊँगा निम्न मंगल। दोस्तों इस एरिया को हम निम्न मंगल बोलते हैं और इस एरिया को दोस्तों हम आउटर मंगल या फिर पॉजिटिव मंगल बोलते हैं। पॉजिटिव मंगल दोस्तों हमारे जीवन में पुण्य जो है दोस्तों, हमने पास्ट लाइफ में जो अच्छे कर्म किए हैं उस इस एरिया से देखते हैं दोस्तों हम लोग। इसके साथ साथ दोस्तों जो भी लीगल कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों, लीगल मैटर है वो हम लोग यहाँ से देखते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों हमने किसी के साथ लड़ाई तो कर ली, लेकिन उस लड़ाई से कैसे फ़ायदा लेना है, आपके दिमाग में कितना जोर है उस लड़ाई को सही तरीके से इस्तेमाल करके आपके जो लड़ाई है उसको जीतने के लिए, वो चीज़ दिखाता है दोस्तों आपके पॉजिटिव या फिर आउटर मंगल। और दोस्तों इनर मंगल जो दिखाता है दोस्तों आपके शरीर में जो क्षमता है, फिजिकल स्ट्रेंथ, वो आपके निम्न मंगल दिखाता है। इसके साथ साथ लड़ाई झगड़ा जो हम लेते हैं लोगों से बात करके, वो हमारे निम्न मंगल दिखाते हैं। छोटे से मैंने तरीके से आपको बता दिया। अब दोस्तों अगर हार्ट लाइन का उद्गम आपके यहाँ से निम्न मंगल से हो रहा तो क्या होगा। पहला चीज़, सत रजस तमस मैंने पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं तो प्लीज़ जाकर देख लेना। ठीक है दोस्तों, हम निम्न मंगल को तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला सत रजस तमस, यूँ समझ लीजिए दोस्तों पहला हिस्सा होगा आपका मस्तिष्क, दूसरा आपका मन, तीसरा आपका शरीर। ये हो गया दोस्तों आपका मस्तिष्क, ये हो गया आपका मन, ये हो गया दोस्तों शरीर। अगर कभी भी दोस्तों आप इस एरिया से निम्न मंगल के एरिया से दोस्तों सत्र आपके जो दिमाग है दोस्तों वहाँ से अगर दोस्तों आपके हार्ट लाइन शुरू हुआ तो क्या होगा। दोस्तों इस एरिया से अगर शुरू हुआ तो ऐसा भी हो सकता है आपके अंदर बहुत सारा नेगेटिव चिंता आती है किसी भी सिचुएशन, लेकिन किसी ने आपको कुछ कम चीज़ दे दी तो आप सोचेंगे इस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों दिया, मुझे लोगों ने ऐसा क्यों कहा। हर एक चीज़ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव थॉट आएगी और ये नेगेटिव थॉट बहुत हद तक बढ़ भी सकता है। तो आपको बहुत ज़रूरी दोस्तों मेडिटेशन करना, हर एक चीज़ के हमेशा तय तक जाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ देना भी चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव थॉट जो है आपकी लाइफ में थोड़ा सा परेशानी भी ला सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरह के इंसान के लाइफ में एक बार दो बार कहीं ना कहीं दोस्तों प्रेम में धोखा मिलता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर संभाल कर रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो दोस्तों। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है प्लीज़ आप कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाएं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा दोस्तों। तीसरा, अगर दोस्तों आपकी हार्ट लाइन जो है वो आपके मन के एरिया से मतलब सेकेंड हिस्सा से अगर निकले तो क्या होगा दोस्तों। तो अगर इस एरिया से निकल गए तो क्या होगा, आपके अंदर नेगेटिव बोली बहुत ज़्यादा होगी। मतलब दोस्तों आप कुछ इस तरह के इंसान होंगे, किसी ने कुछ आपको कहा तो आपने तुरंत उसको दो चार बातें सुना दी, आप कुछ सह भी नहीं सकते। आज जो भी आपके मन में आया आप बोल दिया और लोगों के उसके दिमाग मन में लग जाता है, आप हमेशा लोगों को बुरी बात बोल देते हैं और आप कहते हैं कि आपके पास दोस्त नहीं होता, आपके लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं, लोग आपकी बातें क्यों नहीं सुनते, आपने तो बहुत मेहनत से बोले हैं। तो कहने के तो आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव भावना है जिसको आप अपनी बोली से बोलते हैं दोस्तों। पहला हिस्सा आप अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन इस एरिया में अगर उठेगा तो आप बहुत जल्दी बोल भी देंगे, तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होता। तो आप अपने कंट्रोल कीजिए अपनी वाणी पर, क्योंकि इस समाज में जितने भी यूथ हुए दोस्तों कहीं ना कहीं अपने बोल की वजह से हुए, तो बहुत ज़रूरी दोस्तों अपनी वाणी को इस्तेमाल करना सही जगह। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर दोस्तों आपकी हार्ट लाइन जो है वो आपके शरीर के एरिया से निकले तो क्या होगा दोस्तों, कहीं से इधर से उधर हो गया दोस्तों तो आप मार पिटाई में चले आएंगे,
कुछ भी आप कुछ इंसान तो मजाक में कह दे आपको लग जाएगा आप लोग मार पिटाई में चले जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मार पिटाई में चले जाते हैं आप, बहुत ज़्यादा टेंपर हो जाते हैं, हाई टेंपर होता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, हार्ट रिलेटेड बीमारी भी हो सकता है आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों आपके पानी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना, लोगों की बातें सुनना, थोड़ा सा हंसी मजाक करना, क्यों कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मार पिटाई में चले जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों थोड़ा संभाल के रहिए आप लोग। इसके अलावा दोस्तों और एक होता है रेखा जो आपको दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों कहीं भी दोस्तों निम्न मंगल से होके आपके जुपिटर मंगल के एरिया से अगर ऐसे कोई रेखा आ रहे हैं दोस्तों, बहुत लोगों के हाथों में होता है दोस्तों, तो इस एरिया में अगर होगा पहला दोस्तों जुपिटर के एरिया जा रहा है, तो इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रॉयल्टी होगा, बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा, धार्मिक चीज़ों में रुचि लेगा। दूसरा निम्न मंगल से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों नेगेटिव थाट होगा, आप किसी चीज़ को लेकर बैठ जाएंगे, अचानक से जब कुछ नहीं बोलना था तब आप कुछ गलत बोल देंगे और लोग आपकी तरफ नाराज़ हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर इस एरिया में हो तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, संभाल के रहिए आप अपने बाणी, अपने चीज़ों में थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो एक तरह, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और मेरे वीडियो देखने दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी वीडियो देखते रहना।